आने वाले कल को हमारी जरूरत है। जल्दी करो। जरूरत है टेनेट की। इन्हें बचाना है आज और अभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में, जिसमें मैं आज रिव्यू करने वाला हूं क्रिस्टोफर नोलन की मच अवेटेड मूवी टेनेंट का, जो आज ही के दिन हमारे इंडिया में हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसी है ये मूवी और क्यों आप लोगों को इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी में हमें एक CIA का एजेंट दिखाया गया है, जिसका नाम मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन उसे सब प्रोटैगनिस्ट कह के बुलाते हैं। और इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जॉन डेविड वाशिंगटन। प्रोटैगनिस्ट को एक मिशन मिला है, जिसमें उसे World War III की होने वाली प्लानिंग को रोकना है। और अब क्या वो इस मिशन में पास हो पाएगा या नहीं, यही हमें इस फिल्म की कहानी में देखने को मिलता है। वैसे तो फिल्म की कहानी में ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी कहानी हम पहले भी काफी बार देख चुके हैं, लेकिन इस मूवी की बात कुछ और ही है। कहानी बेशक सिंपल हो, लेकिन मूवी में कहानी को समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि फिल्म को जिस तरीके से शूट किया गया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और सबसे ज्यादा जान जो इस मूवी में डाली है, वो डाली है इसके स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ने। सच में तारीफ करनी होगी क्रिस्टोफर नोलन की, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि उन्हें किस लिए माइंड को घुमा देने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है। सच में एक बार फिर से मैं क्रिस्टोफर नोलन का फैन हो गया। क्रिस्टोफर नोलन की सभी फिल्मों में से मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद थी वो थी डार्क नाइट, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर। लेकिन अब फाइनली मेरी इस लिस्ट में एक और मूवी जुड़ चुकी है, जिसका नाम है टेनेंट। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये मूवी काफी नहीं बल्कि काफी ज्यादा पसंद आई। अगर बात करूँ इस मूवी के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, तो दोस्तों वो है फिल्म का एक्शन। क्योंकि मैं एक एक्शन लवर हूँ और मुझे एक्शन मूवी देखना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इस मूवी के अंदर इस हद तक एक्शन देखने को मिलेंगे कि मेरी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। सच में दोस्तों, मैं इस मूवी को देखते समय अपनी सीट से चिपका रहा, और मैं तब तक अपनी सीट से नहीं हिला जब तक ये मूवी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गई, क्योंकि मूवी का एक एक सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती से भी एक सीन भी मिस कर दिया, तो आप समझ लो कि आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई इस मूवी को देखने की। क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी बाकी मूवीज के मुकाबले इस मूवी के अंदर कई गुना ज्यादा एक्शन डाले हैं, और ये एक्शन बेमतलब के बिल्कुल नहीं है। फिल्म के एक्शन आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिलाकर रख देंगे। और सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि इन एक्शन सीन्स को काफी रियलिटी के साथ शूट किया गया है, ना कि VFX की हेल्प लेकर, और ये चीज हमें स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई भी देती है। और अब बात करते हैं एक्टर की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, मूवी के अंदर अगर किसी का सबसे ज्यादा दमदार रोल देखने को मिला है, तो वो है इस मूवी के लीड एक्टर जॉन डेविड वाशिंगटन, जिन्होंने सच में काफी ज्यादा दमदार एक्टिंग की है। और वहीं बात करते हैं रॉबर्ट पैटिनसन की, तो उनका भी इस फिल्म के अंदर काफी अच्छा रोल है। और आफ्टर लाइट हाउस मुझे इनका ये रोल काफी ज्यादा पसंद आया। और अब मैं वेट कर रहा हूँ बैटमैन का, जिसके अंदर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये पूरी तरीके से आग लगा देने वाले हैं, क्योंकि दिन ब दिन इनकी एक्टिंग में जिस तरीके का निखार देखने को हमें मिल रहा है, वो शायद ही हमें किसी एक्टर के एक्टिंग में देखने को मिला हो। और वहीं बात करें बाकी स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की, तो एलिजाबेथ, डिंपल कपाड़िया और माइकल, इन्होंने भी अपने रोल को काफी अच्छे तरीके से निभाया है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल कहा जाए तो मूवी की कहानी बेशक सिंपल हो, लेकिन बावजूद इसके ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, और साथ ही खत्म होते होते ये आपके माइंड में काफी सारे सवाल छोड़ देगी, जैसे कि मेरे माइंड में अभी भी काफी सारे सवाल है इस मूवी को लेकर। और डेफिनेटली मैं इस मूवी को एक बार फिर से देखूंगा, ताकि मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल सके। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन की ये जबरदस्त मूवी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बिल्कुल भी मिस करनी चाहिए, और स्पेशली थिएटर में। आप इस मूवी को अगर सच में काफी हाई लेवल पर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आप इस मूवी को थिएटर में ही जाके देखें। मैं आप लोगों को ये मूवी हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस ना करें, जाइए और इस मूवी को देखिए और एंजॉय कीजिए। बाकी चलिए दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।